दौड़ निकाले हुए आर्मी की सभी विद्यार्थी को मेरा नमस्कार। आज 1 जनवरी सन 2020 को वाराणसी डिफेंस एकेडमी अपने YouTube चैनल पे पहली वीडियो दे रहा है। आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें और शेयर करें। चलिए हम विचार करते हैं मैथमेटिक्स के कुछ चतुर्भुज पे क्या होता है और कैसे इसको हम पढ़ते हैं। देखो बेटा, चतुर्भुज जो होता है वह आयत भी चतुर्भुज है, वर्ग भी है, और समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। चतुर्भुज का मतलब ही क्या है? वह एक बंद आकृति जो चार भुजाओं से घिरी हो। इसमें आप देख रहे हैं कि आपके सामने पांच आकृति बनी हुई है और यह पांचों आकृति चार भुजाओं से क्या है, घिरी है। यह पांचों आकृति चार भुजाओं से घिरी है, इसका मतलब यदि चतुर्भुज है तो चार भुजा है। चारों भुजा का जो प्रत्येक कोण, सब में यदि हम देखें ध्यान से, सब में चार चार कोण है। कितने कोण है बेटा? चार चार कोण है। यदि सब में चार चार कोण है, इसका मतलब ये हुआ कि सभी चतुर्भुज है, सभी कोणों का योग 360 अंश क्या होगा? बराबर होगा। यानी सभी कोण इसके 360 अंश के बराबर होंगे। लेकिन कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पर आपको ये पता करना है कि प्रत्येक कोण क्या होगा। देखिए, यदि आयत और वर्ग है, इन दोनों के विषय में हम पीछे पढ़ चुके हैं कि आयत और वर्ग क्या क्या इसके प्रॉपर्टीज है। आज हम समांतर चतुर्भुज के प्रॉपर्टीज के विषय में जानेंगे। देखना बेटा, ध्यान से समझना, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा, यानी यह भुजा और यह भुजा आपस में, और यह भुजा और यह भुजा आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। पहला प्रॉपर्टीज क्या है? समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। अब देखो बेटा, यदि मैं इसकी इस वाले भुजा को आधार मान लूं, क्या मान लूं बेटा? आधार मान लूं, तो यहाँ पर यह देखा गया कि यह इसकी क्या है? ऊंचाई है। क्या है बेटा? ऊंचाई है। तो यह इसकी ऊंचाई है। यदि मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूं तो होता क्या है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल किसी भी आकृति यदि यह त्रिभुजी आकार में हो जाए तो हम जानते हैं कि क्षेत्रफल के लिए, जैसे आयत के लिए क्या होता है बेटा? लंबाई गुणे इसके लिए क्या होता है? ए स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर। एकदम समांतर चतुर्भुज के लिए भी वही है। अब इसकी एक भुजा यह हो गई और ऊंचाई यह हो गई, तो क्या हो जाएगा बेटा? आधार गुणे क्या हो जाएगा? ऊंचाई। यह क्या हो जाएगा बेटा? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज का क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। अब देखना, समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है, आधार गुणे ऊंचाई। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। डायरेक्ट एग्जाम में जैसे देखो, पहला प्रॉपर्टीज ये है, क्या इसके जो विकर्ण होते हैं दोनों आपस में बराबर होते हैं? अब देखो यह विकर्ण, अब देखो यहाँ पर हमने मान लिया कि वो बिंदु है। अब समांतर चतुर्भुज के विकर्ण की यदि हम बात करें तो समझने की कोशिश करना बेटा। अब देखो ये ओ बिंदु पर एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, बोलो सही है? एक यह ओ बिंदु पर विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, तो यह विकर्ण की यह वाली लंबाई और यह लंबाई आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। और यह वाली दूरी, यह वाली दूरी आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। अब देखो यदि बराबर होंगी तो फिर एक और प्रॉपर्टीज बनता है, क्या यह बिंदु जो यह बिंदु है, यह बिंदु का प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा? अब यह बात आई, क्या इस बिंदु का प्रत्येक कोण 90 अंश होगा? नहीं, प्रत्येक कोण 90 अंश नहीं होगा। समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 अंश का नहीं होता है। यह प्रॉपर्टी डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है। दूसरा, क्या समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं? बराबर नहीं होते हैं। अब देखिए, यदि यह आयत है, मैं इसको इस तरीके से खींचू, समझने की कोशिश करना, इस आयत यदि मैं इस तरीके से खींचू तो यह वाली आकृति मिलेगी? मिलेगी ना। जब जितना ही यह बढ़ेगा उतना ही यह वाली दूरी बढ़ेगी, जब ये वाली दूरी उतना ही बढ़ेगी तो ये वाली दूरी उतना ही कम होगी। मतलब ये वाला विकर्ण बड़ा होगा तो ये वाला विकर्ण क्या होगा? बोलो सही है? मतलब एक समांतर चतुर्भुज का जो प्रत्येक विकर्ण होता है वह एक दूसरे के समान नहीं होता है, और विकर्ण जिस बिंदु पर समद्विभाजित करता है वह बिंदु 90 अंश का कोण नहीं बनाती, अर्थात समकोण नहीं होती है। लेकिन अगली प्रॉपर्टीज क्या है, इसका जो प्रत्येक त्रिभुज है, इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं? चार त्रिभुज बने। कितने त्रिभुज बने? चार त्रिभुज। यह चारों त्रिभुज आपस में बराबर है, चारों त्रिभुज आपस में क्या है? बराबर है।
बात समझ में आएगी नहीं आई? यस सर। अब देखो, यदि हम सम चतुर्भुज की बात करें, देखो सम चतुर्भुज की सभी भुजा आपस में बराबर होती है, सभी भुजा आपस में बराबर होती है। देखिए इसमें भी ऊंचाई दिया हुआ है, इसमें भी क्या दिया हुआ है? यदि यह ए है तो ये भी क्या होगा? ए होगा। ए भी क्या होगा? ए होगा। ए भी क्या होगा? ए होगा। तो यह इसकी क्या होगी? ऊंचाई होगी। बात समझ आएगी नहीं आ रहा? अब यदि यह और यह ऊंचाई होगी तो इसका भी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आधार गुणा ऊंचाई हो जाएगा ना, आधार गुणा ऊंचाई। यदि इसके परिमाप की बात करेंगे तो एक दो तीन चार फोरे होगा, चार बुढ़े। परिमाप का मतलब, परी का मतलब बारी, माप का मतलब माप। जो बारी माप होगा वही क्या होगा? परिमाप होगा। अब देखो, अब इसमें भी तो विकर्ण होता है, इसमें भी कितने विकर्ण होंगे? दो। अब देखो यदि इसमें दो विकर्ण होते हैं तो एक विकर्ण यह है और एक विकर्ण यह है, क्या यह दोनों विकर्ण आपस में बराबर है? नहीं बराबर। दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं है। लेकिन जिस कोण को यह काटता है, ध्यान देना, जिस कोण की यह बात करता है, यदि मैं इस कोण की बात करूं, यदि मैं इसमें से इस ऊंचाई को हटा दूं, समझने की कोशिश करना बेटा, इस वाले ऊंचाई को मैं हटा दूं, जब यह ऊंचाई थी तब तो क्षेत्रफल मुझे पता चला था कि आधार गुणे ऊंचाई था, यानी एक गुणे यश था। लेकिन अब यह ऊंचाई है ही नहीं, अब सिर्फ हमें विकर्ण मिला। क्या मिला? अब देखो इस वाले विकर्ण को बोल दिए डी1 है और ये वाला विकर्ण क्या है? डी2 है। बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो हम ये कह सकते हैं कि AC बराबर हो जाएगा क्या? G2। और हम ये कह सकते हैं कि BD बराबर हो जाएगा क्या? T1। यह दोनों आपस में क्या है? चतुर्भुज की एक विकर्ण, दो विकर्ण है। यह कितने हैं? दो विकर्ण है। जब यह दो विकर्ण है बेटा, समझने की कोशिश करना। अब देखो इसका यह दूसरे के, एक दूसरे के तो बराबर है, एक दूसरे क्या है? बराबर है। लेकिन यहाँ पे जब हम समांतर चतुर्भुज पढ़ रहे थे तो यह कोण 90 अंश के बराबर नहीं था, लेकिन यह कोण यदि सम चतुर्भुज है तो जहाँ पे विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, वह बिंदु कितने अंश का कोण बनाती है? ये याद रखिएगा। यदि दिया गया चतुर्भुज सम चतुर्भुज है तो विकर्ण द्वारा बने बिंदु पर, विकर्णों द्वारा कटे हुए समद्विभाजित वाले बिंदु पर कितने अंश का कोण बनेगा? क्या होगा? समकोण।